प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में महावीर जयंती के अवसर पर 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महावीर जयंती के अवसर पर मैं देश के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। चुनाव की हलचल के दौरान इस तरह के कार्यक्रम का हिस्सा बनना सुखद है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत न केवल दुनिया की सबसे पुरानी जीवित सभ्यता है, बल्कि मानवता के लिए भी एक सुरक्षित आश्रय स्थल भी है। ये भारत ही है जो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए सोचता है। ये भारत है जो अहम नहीं स्वयं की सोचता है। ये भारत है जो नीति और नियति के बारे में बात करता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज संघर्ष में फंसी दुनिया भारत से शांति की उम्मीद कर रही है और नए भारत की इस नई भूमिका का श्रेय हमारी बढ़ती क्षमता और विदेश नीति को दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें हमारी सांस्कृतिक छवि का बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत इस भूमिका में आया है क्योंकि हम वैश्विक मंचों पर सत्य और अहिंसा को पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने रखते हैं। संकट और संघर्ष भारत की प्राचीन संस्कृति भारत की प्राचीन परंपरा में निहित है। इसलिए आज भारत विरोध में बटे विश्व के लिए विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बना रहा है। मैं समस्त देशवासियों को महावीर जयंती के इस पवित्र अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब तो जानते हैं चुनाव की इस भागदौड़ के बीच इस तरह के पुण्य कार्यक्रम में आना मन को बहुत ही शांति देने वाला है। इसलिए ही भारत न केवल विश्व की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यता है बल्कि मानवता का सुरक्षित ठिकाना भी है। ये भारत ही है जो स्वयं के लिए नहीं सर्वम के लिए सोचता है। ये भारत ही है जो स्व की नहीं सर्वस्व की भावना करता है। ये भारत ही है जो अहम नहीं वयम की सोचता है। ये भारत ही नहीं जो इति नहीं अपरिमित में विश्वास करता है। ये भारत ही है जो नीति की बात करता है नेति की भी बात करता है। ये भारत ही है जो पिंड में ब्रह्मांड की बात करता है विश्व में ब्रह्म की बात करता है जीव में शिव की बात करता है। साथियों हर युग में जरूरत के मुताबिक नए विचार आते हैं लेकिन जब विचारों में ठहराव आ जाता है तो विचार वाद में बदल जाते हैं और वाद विवाद में बदल जाते हैं। लेकिन जब विवाद से अमृत निकलता है और अमृत के सहारे चलते हैं तो हम नवसर्जन की तरफ आ